मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया वृक्षारोपण। देहरादून से बड़ी खबर, हरेला पर्व के चलते किया है वृक्षारोपण। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है वृक्षारोपण। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, आज हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण किया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है वृक्षारोपण। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया। आपको बता दें आज हरेला पर्व है, जिसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया है आज। तो वहीं सभी से अपील करी गई है कि हर एक व्यक्ति एक वृक्ष जरूर लगाए, साथ ही साथ उसकी देखभाल भी करे, क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, हरा भरा बनाना है। आपको बता दें आज हरेला पर्व मनाया जा रहा है और इसी के तहत त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पर वृक्षारोपण किया है और लोगों से अपील करी है कि सभी लोग एक एक वृक्ष जरूर लगाएं। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया और सभी से अपील करी है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें और हर एक व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाए, उसकी देखभाल भी करें। हरेला पर्व के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण किया है, आपको बता दें। और इस दौरान उत्तराखंड में कई सारे वृक्ष भी लगाए जाएंगे, काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है हरेला पर्व। आपको बता दें हरेला पर्व के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी से अपील करी है कि आप एक एक पौधा जरूर लगाएं, उसी की देखभाल करें, क्योंकि पर्यावरण को हरा भरा रखना है और उसी से हम लोग भी हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण को हरा भरा रखना बेहद जरूरी है, वातावरण को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। हरेला पर्व के चलते वृक्षारोपण किया है मुख्यमंत्री ने और हरेला पर्व उत्तराखंड का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है, धूमधाम से आज हरेला पर्व मनाया जा रहा है। हरेला पर्व के चलते किया गया है वृक्षारोपण। सभी से अपील भी करी गई है कि आप एक वृक्ष जरूर लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। हरेला पर्व के चलते वृक्षारोपण किया गया। हरेला पर्व के चलते किया गया है वृक्षारोपण। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया। आपको बता दें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी से अपील करी है कि आप सभी एक एक पौधा जरूर लगाएं ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और हरा भरा वातावरण बना रहे। हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण किया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से पहाड़ी जो परंपरा रही है शुरू से वो हरेला पर्व को लेकर के रही है और हर बार जो है 16 जुलाई को जो है हरेला पर्व जो है ये पहाड़ की एक संस्कृति है जिसको हर साल जो है वो मनाया जाता है। और हरेला पर्व पे एक उद्देश्य होता है, चाहे वो कोई भी मौजूदा सरकार हो, कि जो हरे हरियाली जो है जिस तरीके से उत्तराखंड में है वो हरियाली बरकरार रहे, हर किसी को जो है एक अपने इस साल में एक पौधा लगाने की जो खासतौर से इस त्योहार के समय के उपलक्ष्य में जो है एक पौधा लगाने की अनुमति होती है कि सभी एक एक पौधा लगाएं और एक लक्ष्य होता है सरकार का भी। और सरकार ने शुरू से ही इस पर्व को लेकर के खास तैयारी जो है वो की थी और आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद जो है हरेला पर्व की जो है शुरुआत की है और वृक्षारोपण करा है। साथ ही तमाम जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने हरेला पर्व मनाया है और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके की संस्कृति है, जिस तरीके का
हरियाणा को लेकर वहाँ है, उसी तरीके का एक हरियाली जो है वो आसपास के लोगों में खुशहाली रहे, हरियाली रहे, इन चीजों को देखते हुए ये हरियाला पर्व मनाया जाता है। और आज इसकी शुरुआत हो गई और ये एक हफ्ते तक चलने वाला पर्व है, जिसमें एक लक्ष्य रखा है कि आज ही की डेट में जिसको है कम से कम 2 लाख से ज्यादा पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। जी जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया। आपको बता दें हरेला पर्व के चलते वृक्षारोपण किया गया है, एक हफ्ते तक मनाया जाएगा हरेला पर्व, काफी धूमधाम से मनाया जाता है हरेला पर्व। हरेला पर्व के चलते वृक्षारोपण भी किया गया है। अब बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के, और खबर बालोद से है, जहां जिले के कसडौल थाना क्षेत्र के